मध्यकालीन निर्गुण संत कबीरदास के दोहों में काया योग, रहस्यवाद, जीववाद, निर्गुणवाद एवं परम तत्व रूप राम आदि अनेक सिद्धांतों की झलक मिलती है। मूलतः कबीर अद्वैत वेदांती है। कबीर का ब्रह्म मात्र निर्गुण नहीं है, निर्गुण होते हुए भी कबीर दया, करुणा, प्रेम और भावना के पुंज है। संत कबीर की साधना में ज्ञान और भक्ति का अपूर्व मिश्रण है, अपूर्व मिलन है। ढोंग, आडंबर, बाहरी दिखावा, इन सभी चीजों के कट्टर विरोधी कबीरदास जी रहे। उन्होंने समाज के उन सभी आडंबरी पंथों और संप्रदायों पर चोट किया है जो बाहरी दिखावा के पक्षधर है। दिखावा का मतलब समझ रही हो? दिखावा जो हम है नहीं वैसा दिखने की कोशिश करना, वही दिखावा है। आडंबर उसी को कहते हैं। बाल मुंडा लेने से कोई संत नहीं हो जाता, वस्त्र दंगा लेने से कोई फकीर नहीं हो जाता, दाढ़ी रख लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। कबीरदास जी इसको आडंबर मानते रहे। हम स्वयं अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं करते, परंतु दूसरों के कमियों को, त्रुटियों को देखते फिरते हैं। अपने घर को, अपने आचरण को नहीं सुधारते, पर दूसरों से यही आशा रखते हैं। हम अपनी कमियों को नहीं आंकते, अपने छिद्रों को नहीं देखते, लेकिन दूसरे के छिद्रों को बड़ा करने में मशगूल रहते हैं। अपने अवगुणों को देखना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करते। वहीं दूसरों के गुणों को भी अवगुणों में परिवर्तित करने के लिए लगे रहते हैं, कुचक्र रचते रहते हैं। कबीरदास जी इन सभी आडंबरों के विरोधी थे। उनका कहना था कि तुम जैसे हो वैसे ही दिखो, अपने आप को झूठे श्रृंगार में मत लाओ, बनाओ श्रृंगार, यह आडंबर है। महान संत कवि कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके जन्म और मृत्यु तिथि विवादित है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए कबीरदास जी का पालन पोषण मुस्लिम परिवार में जुलाहा परिवार में हुआ। यही कारण है कि कबीरदास में दोनों संस्कारों का मिश्रण है। एक बार परिस्थितियों से ऊब कर कबीरदास जी बैरागी हो गए और वन वन भटकते रहे, पर जब उन्हें वे कष्ट वन में भी प्रतीत हुए तो घर रहकर ही उन्होंने वास्तविक विरक्त जीवन अपना लिया और वही जीवन व्यतीत करने लगे। वे शरीर से ही नहीं मन से बैरागी थे, सच्चे मन के पुजारी थे। संत कबीरदास जी अपने संपूर्ण जीवन में अपने को कभी किसी धर्म या किसी पंथ से नहीं जोड़ा। कबीर सच्चे साधक और संत सच्चे संत थे, योगी थे। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब आज संपूर्ण समाज जाति, धर्म, रंग भेद, वर्ण भेद में बढ़ता नजर आ रहा है, समझ रही हो कि जाति भेद, हमारा जाति क्या है, हम उसी जाति को हम चाहेंगे, यही होता है जाति। धर्म, हम जिस धर्म को मानते हैं हम उसी धर्म के लोगों से प्यार करें, दूसरे के धर्म को छोटा समझें, यह गलत बात है। इस धर्म को, इस जाति को, रंग भेद को, हम गोरे हैं तो काले लोगों से घृणा करें, यह रंग भेद है, और वर्ण भेद, इन सबों को वो बहुत ही खराब मानते थे। बालापन बीते, युवापन बीते, वृद्धापन नियर आई, हम बच्चे थे वह समय बीत गया, हम युवक थे वह समय भी बीत गया, अब हम वृद्ध हुए, अब तो चेतो और अभी भी भगवान के नाम को लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो आइए कबीरदास के कुछ सीख भरे दोहे, जो ज्ञान रूपी दरिया है, में हम सभी मिलकर डुबकियां लगाएं, आनंद लें और अपने जीवन में इसे चरितार्थ भी करें। संत कबीर निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है,
अतः उसकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यह समझकर कि यह बहुत छोटी वस्तु है या बहुत छोटा है, इसको हम अवहेलना कर लेंगे। नहीं, वह भी वक्त पर बड़े काम की चीज है। जैसे कबीर घास बनी दिए जो पांव तली हो उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हो। कबीरदास जी कहते हैं कि पैरों के नीचे पड़ी हुई घास की अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए, किसी समय उसका एक छोटा सा तिनका अगर तुम्हारे आंख में पड़ जाए तो वह भी तुम्हें कष्टदायक ही महसूस होगा। संत वैरागी कवि कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को जो तुम्हारी निंदा करता है, जो तुम्हारी शिकायत करता है, उसको अपने से दूर न रखो, उसको अपने करीब रखो, क्योंकि वह निंदक तुम्हें अपनी स्थिति से खुलकर अवगत कराता है और तुम्हें उसका स्थान दिखलाता है कि तुम कितने सच्चे हो। तो निंदक नियरे राखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल गलत सुहाए। अपने निंदक को अपने समीप ही बल्कि अपने आंगन में ही छप्पर डालकर रखना चाहिए, वह बिना साबुन और बिना पानी के व्यक्ति को सहज रूप में ही निर्मल कर देता है। Oh,